जो शराब के नशे में मदहोश हो जाता है वह अपने होश खो बैठता है। किसने कोशिश की अभय को शराब पिलाने की? कौन जीता शराब पीने के कॉम्पिटिशन में? कौन सा अनजान खतरा बढ़ रहा है पलक और अभय की तरफ? अब तो तुम्हें शराब पीनी ही पड़ेगी। भीड़ के बीच में से एक बेहद स्मार्ट आदमी की आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ फेमस सेलिब्रिटी ईशान नारंग की थी। ईशान नारंग के हाथ में एक कैमरा था। अभय तुम लेट आए हो, तुम्हें तो पीना ही पड़ेगा। ये क्या कर रहे हो ईशान? और प्लीज वीडियो रिकॉर्डिंग बंद करो। पलक यार मूड मत खराब करो। अभय को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे, तभी उसके सामने 3 बोतल रख के ईशान नारंग ने कहा, क्यों चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करोगे? तभी वंशिका सामने आई। प्लीज ईशान स्टॉप दिस। वंशिका अभय के पास आई और बोली, अभय सर इससे दूर रहिए, ये ईशान बहुत बड़ा शराबी है और शातिर भी, प्लीज मत पीजिए। आज तो मैं एंजॉय करूंगा और इस बहाने ईशान नारंग से कुछ सीख लूंगा। अभय ने फिर एक के बाद एक 3 बोतल शराब पी ली, लेकिन फिर भी वो वहाँ आराम से बैठा था। ये देख के ईशान नारंग शॉक रह गया और यही हाल वंशिका और पलक का हुआ था। लगता है तुम्हारी कैपेसिटी बहुत है। वेटर और बोतल लाओ। वेटर बोतल्स लेके आया। अब आएगा मजा, देखते हैं कौन किस पे भारी पड़ता है। दोनों ने शराब पीना शुरू कर दिया। 2 घंटे हो गए दोनों पी ही रहे थे। इतनी शराब पीने के बाद भी अभय आराम से बैठा था, लेकिन ईशान नारंग की हालत खराब हो गई थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा हो गया था। वाह तुम तो मुझसे भी बड़े शराबी निकले। ईशान नारंग तुम अब बस करो, तुम्हें नशा ज्यादा हो गया है। यार मुझे नशा हो गया है, क्या बकवास कर रहे हो। ये कहकर ईशान नारंग उठ गया, लेकिन उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। ऐसी हालत में वो बोला, सच कहूं अभय तुम एक जाहिल और गरीब इंसान हो। ये अजीब बात है कि पलक और वंशिका ने तुम्हें पार्टी में बुलाया। ईशान पलक के सामने खड़ा हुआ। पलक आई लव यू, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? अभय की इस पर हंसी निकल गई। वो खड़ा हुआ। वेटर इधर आओ और सबको बताओ सच्चाई। जब अभय सर को पता चला कि उनको शराब पीने के लिए मजबूर किया जाएगा, तब उन्होंने मुझे शराब की बोतल में एप्पल जूस डालने को कहा। मतलब इतनी देर से अभय सर बस एप्पल जूस पी रहे थे? हाँ मैडम, बस ईशान सर की ड्रिंक में शराब थी। ये सुन के ईशान नारंग गुस्सा हो गया। तुम एक नंबर के चीटर हो अभय, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कैसी लगी मेरी एक्टिंग? ईशान नारंग जैसे ही अभय के पास जाने लगा उसने उल्टी कर दी। कुछ लोगों को घिन आई और वो दूर चले गए। ईशान नारंग भूल गया था कि उसके फैंस उसका वीडियो लाइव देख रहे थे। ईशान ने फिर पलक को देखा। रुको पलक, मैं अभी तुम्हें प्रपोज करता हूँ। लेकिन वो पलक के पास पहुँचे उससे पहले वो गिर गया और बेहोश हो गया। पलक तुम्हें किसी को बुलाना होगा क्योंकि ये तो नहीं उठ रहा। मैं अपने ड्राइवर को बुलाती हूँ। पार्टी से एक एक करके सब लोग जाने लगे। वंशिका बहुत गुस्से में थी। ये ईशान नारंग ने मेरी पार्टी बर्बाद कर दी। कोई बात नहीं, मुझे बहुत मजा आया। वही दूसरी तरफ दीपक ने हॉस्पिटल में आंखें खोली। उसके पास उसके पापा और माँ बैठे थे। मेरा एक्सीडेंट कैसे हुआ, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। बेटा तुम शांत हो जाओ, तुम ठीक हो। तुम्हें किसने कहा था अभय से पंगा लेने के लिए? वो अभय इतना ताकतवर है कि अब कोई भी हमसे बिजनेस नहीं करना चाहता। और मुझे नहीं लगता अब कामिनी तुमसे शादी करना चाहेगी, तुम उसे भूल जाओ यही अच्छा है। ये सब सुन के दीपक की अभय के लिए नफरत और बढ़ गई थी। उसी समय शहर के दूसरे कोने में एक रेस्टोरेंट में एक मास्क मैन अकेला बैठा हुआ था। कुछ देर बाद 2 लड़कियां और 2 लड़के आके वहाँ बैठ गए। मास्क मैन ने कहा, कल पलक शहर छोड़कर जा रही है, अभी सही मौका है उस पे हमला करने का। लेकिन उसके पीछे नाइट फाइटर्स एजेंसी है, खास करके अभय। ये अभय खतरनाक है पर मुझसे ज्यादा नहीं। मैं आज पलक के साथ साथ उसे भी खत्म कर दूंगा। हमला तो तुमने जोरा पर भी किया था, क्या हुआ अब वो बिल्कुल ठीक है? ये सुन के मास्क मैन वहाँ से गुस्से से चला गया। उधर अभय और पलक शहर की अलग अलग जगह घूम रहे थे। जब काफी देर हो गई तब उन्होंने घर जाने का फैसला किया। कुछ देर बाद दोनों अपने सोसाइटी के नीचे आ गए थे। तभी उनके कार में मास्क मैन ने हमला कर दिया और उसने रॉड से कार का शीशा तोड़ दिया। बाहर निकलो, तुम्हारी मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। अभय को जाने दो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। कोई समझौता नहीं होगा, आज तुम्हारी मौत होगी। ऐसे कह के मास्क मैन ने फिर कार का शीशा तोड़ा। मास्क मैन के साथ जो लड़कियां थी उन्होंने बंदूक निकाल के अभय और पलक के माथे पर लगाई। अभय और पलक कार से उतर गए। मास्क मैन की तरफ बढ़ने लगा। पलक घबरा के बोली, अभय
तुम अपनी जान बचाओ, भाग जाओ यहाँ से। क्या अभय पलक की बात मानेगा? क्या करेगा अभय मास्क मैन के साथ? अब क्या करेगा ईशान नारंग अभय के साथ? आखिर दीपक का एक्सीडेंट किसने करवाया? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और बंदा ये बैडएस है के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।